पहले भौकाल, फिर रक्तांचल, अंत में रंगबाज। ओटीटी पर चढ़ा बाहुबलियों का रंग। जिनके नाम से पूर्वांचल और बिहार की धरती कांपती है वो सिल्वर स्क्रीन और ओटीटी के चहेते हैं। असल जिंदगी में उन्हें बाहुबली कहा जाता है, मगर वेब सीरीज की कहानियों के वो नायक हैं। ऐसे नायक जिन पर वेब सीरीज बनने का मतलब है कामयाबी की गारंटी। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह से लेकर मुन्ना बजरंगी और मोहम्मद शहाबुद्दीन तक असल जिंदगी के इन बाहुबलियों की कहानियों में नायक बनने की सच्चाई ही दिखा रही है जनसत्ता की ये खास रिपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। रंगबाज और मोहम्मद शहाबुद्दीन। 19 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 24 सालों में न सिर्फ अपराध जगत में अपना सिक्का जमाया, बल्कि बिहार विधानसभा से लेकर देश की संसद तक का सफर तय किया। जब अदालत ने सजा सुनाई तो जेल का सफर भी तय किया। कहा जाता है कि वो जेल से ही अपने साम्राज्य को कंट्रोल करता था, मगर कोरोना काल में जब शहाबुद्दीन की मौत की खबर आई तो हर कोई हैरान था। अब उसी शहाबुद्दीन की जिंदगी पर Z5 ने एक वेब सीरीज बनाई जो सुपर हिट रही। इस वेब सीरीज के 3 सीजन हिट हो चुके हैं, जिसके डायलॉग बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। मुख्तार, ब्रजेश, बजरंगी और रक्तांचल। मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह और मुन्ना बजरंगी पूर्वांचल के 3 बाहुबली जिनका पूर्वी उत्तर प्रदेश पर सिक्का चलता था। इस इलाके के हर सरकारी ठेके और संगठित अपराध में कहीं ना कहीं इनका हाथ जरूर बताया जाता था। मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी कभी एक साथ काम किया करते थे, तो वहीं इन दोनों का जानी दुश्मन माने जाने वाले ब्रजेश सिंह के नाम की गूंज मुंबई के JJ हॉस्पिटल शूटआउट कांड तक में सुनाई दी थी। जेल में बंद मुन्ना बजरंगी की साथ ही कैदियों ने हत्या कर दी, तो कई बार विधायक रह चुका मुख्तार अंसारी अब भी जेल के पीछे है। जबकि जेल से छूटने के बाद ब्रजेश सिंह UP विधान परिषद के सदस्य बन चुके हैं और माननीय कहलाते हैं। MX प्लेयर की वेब सीरीज रक्तांचल ने पूर्वांचल के इन तीनों बाहुबलियों की कहानी को एक साथ पिरोकर वेब सीरीज रक्तांचल पेश किया। रक्तांचल के दोनों सीजन सुपरहिट रहे और लोग तीसरे सीजन का इंतजार कर रहे हैं। शौकीन, बिट्टू और भौकाल। एक वक्त था जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर मुजफ्फरनगर को यूपी का क्राइम कैपिटल कहा जाता था। माफिया शौकीन खान, बिट्टू कैल और नीटू कैल के गैंग ने पूरे इलाके में अपनी दहशत फैलाई थी। ऐसे में IPS अधिकारी नवनीत सिकेरा ने इन तीनों का एनकाउंटर करके वेस्ट यूपी को क्राइम फ्री बनाया था। इसी सच्ची घटना पर बनी वेब सीरीज भौकाल ने MX प्लेयर पर जब अपना भौकाल दिखाया तो दोनों सीरीज सुपर हिट साबित हुई। इन दोनों के अलावा कभी यूपी में आतंक का पर्याय रहे श्री प्रकाश शुक्ल पर बनी फिल्म सहर भी और बिकरू कांड के खलनायक विकास दुबे पर बिकरू नाम से बनी फिल्मों ने भी बाहुबलियों के फिल्म जगत और OTT पर असर को साफ दिखाया है। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और खबरों के तह तक जाने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।